कैसे यहाँ के लोग सर पे मोटरी वगैरह ले लेके गुजरते हैं ये पटरियों में और पटरियों के बीच में रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो को, न्यू ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। मैं फिलहाल अभी मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन और आज की ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले दोस्तों यहाँ की मार्केट और यहाँ की सलम लाइफ, यहाँ की झुग्गी झोपड़पट्टी, जो दोस्तों रेल पटरी के किनारे कैसे यहाँ पे लोग अपने गुजर बसर करते हैं, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं पटरी के किनारे, यहाँ की जिंदगी पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल मैं दोस्तों मैं हूँ मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन में और यहाँ से यहाँ की पूरा लोकल लाइफ कैसे होती वो आज की ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये सामने देख सकते हैं, ये है कुर्ला रेलवे स्टेशन की बाहर, यहाँ पे ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड और इधर दुकानें वगैरह आपको देख सकते हैं। फिक्स रेट यहाँ पे जूते चप्पल मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों ये है स्टेशन की बाहर की एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपये में 5 टी-शर्ट लेडीज़ का है, चश्मे वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। और सामने कुर्ला स्टेशन है, कुर्ला की ये है दोस्तों सिंधी मार्केट दोस्तों। अभी हम अंडरग्राउंड मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। देखो देखो दोस्तों ज़मीन के अंदर भी मार्केट लगी है, आप ऊपर भी छोड़ो, ज़मीन के ऊपर छोड़ो, ज़मीन के अंदर भी मार्केट लगे हैं, यहाँ पर भी कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, देख लो यहाँ की। ये है कुर्ला स्टेशन की बाहर दोस्तों, मैं कुर्ला स्टेशन में हूँ और कुर्ला स्टेशन की ये जो है ना ये पब्लिक के लिए बनाया गया है, जहाँ पे नीचे रोड से नीचे बनाया गया है, ज़मीन के अंदर की मार्केट है, यहाँ पर भी मार्केट लगी और यहाँ पे सामान वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पर भी पब्लिक आपको दिखेंगे दोस्तों, जो कि ज़मीन के अंदर ये बना हुआ है। देखो यहाँ पे देख लो ऐसी मार्केट है, यहाँ पे यहाँ अंदर में भी कपड़े वगैरह मिल रहे हैं दोस्तों। देखो देखो दोस्तों यहाँ पे बेल्ट वगैरह कैसे लगाए गए हैं, कुर्ला के इस साइड में देखो ये है पब्लिक ब्रिज। तो मैं हूँ अभी कुर्ला के इस साइड में और मैं वेस्ट से आते हुए वो पब्लिक का जो पब्लिक ब्रिज से जो नीचे वाला है ना, जहाँ पे पब्लिक जा रहे थे वहाँ नीचे अंडरग्राउंड वो मार्केट आपको एक्सप्लोर कर रहा था, वो दिखा रहा था अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं हूँ अभी कुर्ला के स्टेशन के जस्ट थोड़ा सा बाहर में और अभी मैं चल रहा हूँ दोस्तों जो ट्रेन पटरी ना उस पर चल रहा हूँ, और ट्रेन के पटरी आजू बाजू देख सकते हैं जो घर वगैरह है वो यहाँ के लोग देख लो दोस्तों कि कितना नज़दीक में रहते हैं, ट्रेन के पटरियों में ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों यहाँ के लोग, कैसे देखो दोस्तों। मैं हूँ अभी ट्रेन पटरी के जस्ट सामने और यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ की ज़िंदगी एक्सप्लोर करूँगा कि कैसे यहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं, कैसे लोग रहते हैं पटरी के किनारे इतने नज़दीक में, यहाँ पे वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। वो कोई मिलेगा तो उससे पूछताछ भी करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। देखो दोस्तों यहाँ की जो घर है ना, कैसे सीढ़ी वगैरह देख लो, और यहाँ की जो पानी पीने के लिए ना सुविधा दोस्तों, मुंबई में आपको हर जगह ना पानी के लिए थोड़ा तकलीफ मिलेगा दोस्तों, जो पानी पीने के लिए नहाने के लिए स्टोर करके ड्राम में रखना पड़ता है, देख सकते हैं बाहर में ही नहाना पड़ता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज करना पड़ता है दोस्तों। देख सकते हैं ये है मुंबई की कुर्ला जो सलम एरिया मैं दिखा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये है जो आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। देख लो कैसे लोग यहाँ पे रेल पटरी के किनारे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं दोस्तों, यूज कर लेना दोस्तों। देखो यहाँ पे जो घर वगैरह ना बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं दोस्तों, देखो पतंग उड़ा रहे भाई। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं ये पटरी में, लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे पटरी में अभी तक कैसे यहाँ की घर वगैरह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों पटरी पे लगभग मैं दोस्तों 2 से 2.5 किलोमीटर चला दोस्तों, तो मैं थक गया दोस्तों, मैं देखो मैं पटरी के बीच बैठा हूँ और पटरी के बीच यहाँ पे लोग
कैसे सर्वाइव करते हैं दोस्तों, कैसे रहते हैं आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि दो पट्टी के दोनों साइड में यहां पे घर वगैरह है, देखो कैसे रहते हैं। बैठो छोटू यहां पर बैठो, आ जाओ। देखो दोस्तों पटरियों के दोनों साइड में घर वगैरह है और मैं पटरी के एक साइड में बैठा हूँ क्योंकि थक गया दोस्तों। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक चला और पटरियों के बीच में चलना ना दोस्तों पैर में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि पत्थर रहती है, तो इसमें दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं बैठ गया हूँ और यहाँ से एक्सप्लोर करते हुए आपको जा रहा था। थोड़ा सा और बाकी है चलना दिखाना भी, तो चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे यहाँ के जो घर वगैरह है जो रहते हैं लोग आपको पूरा देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, कैसे यहाँ के लोग सर पे मोटरी वगैरह ले लेके गुजरते हैं ये पटरियों में और पटरियों के बीच में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों। जो भी यूज होने वाले सारे कुछ सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे पटरियों में पानी वगैरह की जो सुविधा मैंने बताया था दोस्तों, मुंबई में हर जगह ऐसा ही रहती है जहाँ पे ड्रम में पानी स्टोर करके रखना पड़ता है पीने के लिए और नहाने के लिए दोस्तों। दोस्तों कैसे यहाँ के घर वगैरह, देखो दोस्तों यहाँ की जो है ना बच्चे वगैरह भी पटरी के किनारे खेलते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं, ज़्यादा स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बच्चे वगैरह ना पटरी के किनारे खेलना पड़ता है दोस्तों। यहाँ के घर वगैरह आप देख सकते हैं, मैं एक्सप्लोर करते हुए जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ना दोस्तों एक चीज़ है कि यहाँ पर जो ज़्यादा स्पेस नहीं, ज़्यादा जगह नहीं, बच्चे को खेलने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो पटरी के किनारे वगैरह आना पड़ता है खेलने के लिए। तो सोच सकते कि यहाँ पर लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते होंगे, कैसे यहाँ के लोग रहते होंगे दोस्तों। देख लो दोस्तों यहाँ की ज़िंदगी कैसे होती है, घर के बाहर वगैरह आपको पूरा जो ड्रम है, कचरा वगैरह जो गोनी में भरा हुआ, जो काम आते हैं यहाँ रिसाइकिल के लिए भी बहुत सारे काम वगैरह होते हैं, तो रिसाइकिल के लिए ये सब बॉटल वगैरह कचरा वगैरह रखे हुए देख सकते हैं। ये सब पूरा चटाई वाला भाई भी चटाई बेच रहे हैं, देख लो। सामने स्टेशन है, इसमें ट्रेन आती कि नहीं आती? हाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जानवर भी पटरियों में रहते हैं दोस्तों। यहाँ के देखो बकरी वगैरह जो है ना पूरा पटरियों में रहते हैं यहाँ पे देखो, और पटरियों के दोनों साइड देखो घर कैसे कैसे घर है जहाँ पे लोग रहने के लिए मजबूर है दोस्तों। देखो ये मुंबई की सलम लाइफ जो भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखो सेटअप में। देखो दोस्तों यहाँ पे सफाई अभियान चालू, कचरे को जलाया जा रहा है। देखो दोस्तों मैं अभी जो है ना रेल पटरियों के बीच गया था, वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा था कि कैसे वहाँ के लोग रहते हैं दोस्तों। रेल पटरी के किनारे दोनों साइड में छोटे छोटे घर है, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़पट्टी जिसे दोस्तों सलम एरिया कहते हैं दोस्तों, जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कहते हैं, वहाँ पर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ख़तरनाक मतलब कहते हैं ना दोस्तों, मान सकते हैं कि खतरों में ज़िंदगी अपने को गुजर बसर करते हैं दोस्तों। वहाँ पर मैंने पूछा दोस्तों, वहाँ पे जानकारी लिया, ट्रेन तो ऐसे जो है रोज़ जो चलती वो ट्रेन नहीं चलती, कभी कभी इंजन वगैरह या तो कभी कभी मालगाड़ी इमरजेंसी में कभी उस रोड पे आ जाती है, तो वो कभी कभी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहाँ पे जो है ना दोस्तों ना खेलने की जगह होती, बच्चे लोग पटरियों में खेलते हैं, वहाँ पर जो पब्लिक थी वो भी पटरियों में बैठे थे दोस्तों। सोच सकते हैं कि वहाँ की जो ज़िंदगी थी, कैसे वहाँ के लोग सर्वाइव करते हैं, कैसे रहते हैं दोस्तों। लेकिन वहाँ के जो रूम रेंट है, रूम भाड़ा, वो भी
लगभग 3,000-4,000 में मिल जाएगी। मैंने पता किया दोस्तों, तो बोला कि यहाँ पे 3,000-4,000 में आपको रूम मिल जाएगी ज़्यादातर। तो जो भी था मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखाया है मुंबई की कुर्ला सलम लाइफ, झुग्गी झोपड़पट्टी, जहाँ पे रेल पटरी के किनारे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे थे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ब्लॉग आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों अपने ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।